आई थिंक गर्मी में ये फीलिंग अनमैच्ड है. मतलब बाहर बहुत गर्मी, अंदर एसी चलाओ और उसके सामने बैठ जाओ और कल रात को क्या नींद आया भाई. हाँ बताओ, बोला ऐसा नहीं है एसी का ये, मतलब अभी मेरे को 2-3 साल ही हुआ है ऐसा ये करते हैं. इससे पहले जब मेरे को ठंडी लगता ऐसा गर्मी होता था रात को, जब मेरे घर पे एसी नहीं था तो मैं नंगा बदन सोता था, फैन फुल फास्ट करके छाती पे पूरा पानी गीला करके आ वो. और ये फीलिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली एसी का यही है कि पूरा रात चलता रहता है उसमें बार बार छाती भीगा. दोनों फीलिंग अपने को पता है, जो साइड में सोता है बट वही साइड पे पानी लगने को मांगता है. साइड में सोता है तो हाथ पे, पीठी पे सोता है तो पीठी पे, छाती पे सोता है तो छाती. इसी के साथ ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लव यूट्यूब. और मेरे को पता था आप सारे कैसे, बढ़िया बहुत सही मजे में. मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. तो आज सुबह सुबह, मतलब मैं बहुत पहले उठ चुका हूँ, क्लास लिया मैंने, फिर अभी मैं प्रोटीन पीऊँगा और मैं जाऊँगा जिम. जिम से आके मैं हम लोग शायद से एसी लेने जाएंगे क्योंकि ज़रूरत है भाई, क्योंकि हमारा घर जो है वो है टॉप फ्लोर पर, तो पूरा दिन टेरेस गर्म होकर शाम को वो गर्मी नीचे छोड़ता है तो हमारा तो हालत ख़राब हो जाता है रात. हम लोग आज रिया के घर पे आके सोए थे क्योंकि कल जाने का प्लान था, बट कल ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को कुछ नया चीज़ लेने का नहीं होता ऐसा मेरे को बोला और ऐसा घर पे बिठा दिया. बट जो भी है पहले अपन प्रोटीन पीते हैं. हाँ ये इन दिनों मैंने पानी पीना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया क्योंकि गर्मी हो गया है, तो मतलब मेरे को ऐसा तुरंत ऐसा ये हो जाता है अगर मैं पानी थोड़ा भी कम करता हूँ ना. तो अभी कितना बज रहा है तुम लोगों को दिख रहा है क्या अभी? मधुमक्खी कहाँ से आया घर पे? अभी बज रहा है 12:15 और मैंने ऑलरेडी 1.5 लीटर पानी पी लिया है. दैट इज़ अ गुड थिंग. बट एक ही चीज़ ख़राब है, वो है कि मैं अपना हेडफोन्स लाना भूल गया था. मेरे को थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा कि मैं हेडफोन्स कैसे लेके जाऊँगा. बट उससे पहले आई थिंक मेरे को प्री वर्कआउट ले लेना चाहिए अपना. वहाँ पर ये विंडो पे था, वो देखो वो साइड में. अरे मेरे को डर लग रहा है. कहीं गिरी तो है? हाँ नीचे गिरा शायद कहीं पर. नहीं यहाँ पर तो नहीं दिख रहा. ये तो उल्टा हो गया. करंट तो लग गया था उसको. अंकल बोले को एसी के ऊपर मर रहे. ओह शिट. मोहन तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, तुमको भूख लगा है ना? वो भी ग्रिल. पापा उड़ के आएगा वो? नहीं अब तो मर गया वो. मेरे सामने उसका अंतिम संस्कार किया अंकल ने. शिट, हम तो डर के इधर उधर भाग रहे थे, मालूम पड़ा वो एसी के ऊपर ही था. गाइस प्री वर्कआउट ये नया फ्लेवर है गाइस, काला खट्टा. ओहो इंग्लिश में बोले तो ब्लैक करंट, नंबर बोले तो फुल होली का कलर. आई थिंक इट्स टाइम कि मैं अभी महीने में 2 डब्बा लेने लगूं प्री वर्कआउट का, क्योंकि एक स्कूप से अब मेरे को हिट नहीं होता, मेरे को 2 स्कूप लेना पड़ता है. अच्छा
वो बज रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्या बज रहा है। वो मतलब ये, मेरे को इंग्लिश में उसका वर्ड याद नहीं था इसके लिए मैंने वो बोल के निकाल लिया, विंड चाइल्ड या विंड चाइम क्या बोलते हैं पता नहीं, गूगल कर सकता था बट मेरा फ़ोन चार्जिंग पे। तो इन शॉर्ट मेरे को जो चीज़ पता नहीं होता उसके बारे में मैं बात नहीं करता ट्रेन का, इंटरनेट पे स्पेशली। हाँ कितना मच्छर था? बहुत। सच में? हाँ, मैं तो मैं तो एसी में बेहोश हो गया था। इतना लेट क्यों सोता है तुम? पता लगा मुझे तुम बेहोश हो गया था। चलो ये मत बजाओ गाड़ी में। हाँ ओह फक, गाड़ी के अंदर बैठना मतलब बहुत डिफिकल्ट काम हो गया। तो मैंने ऐसा दिमाग लगाया, रिया के पास है ये कनेक्टर जो मेरे इस वाले हेडफोन से हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को मेरे घर पे जाके फिर घर जाना मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर ये लाउड इनफ होगा तो मैं इसी से काम चला दूंगा, वरना मैं फोकट चला जाऊंगा, बिना हेडफोन्स के फोकस नहीं होता। हेलो 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 हेलो, खुद का ही आवाज़ सुन रहा था क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि जिम में कोई भी मेरे से बात करे और मैं उनको फिर रिप्लाई करते रहूँ। जिम में मैं किसी से बात नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं ना जिम में मेरे को देख के शायद से थोड़े से ऐसा अक्का बक्का होते रहेंगे कि फक ये तो बहुत बात करता है यूट्यूब पे, पर जिम में किसी से बात ही नहीं करता है। बहुत रेयरली बात करता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा अपने वर्कआउट पे फोकस करता हूँ मैं, क्योंकि डेढ़ घंटा एक ऐसा है जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस करने को लगता है। तो अभी मैं जिम जाके तुमसे मिलता हूँ। तो मैं अभी वर्कआउट करके आ गया, और अभी एक इतना फनी चीज़ हुआ। तो क्या हुआ, आज अंकल भी वर्कआउट करने आए थे जिम में बहुत टाइम बाद। तो मैं वर्कआउट कर रहा था तो अंकल आके मेरे को बोलते कि हम लोग साथ में निकल जाएंगे क्योंकि हमको अभी एसी लेने जाना है, फिर तुम घर आ जाना, वहाँ पर बाइक रख के गाड़ी लेके चले जाना। मेरे को लगा अंकल कंसर्न दिखा रहे, हमारे पास बहुत सारा कल हम सामान लेके गए थे इसके लिए। मैंने रिया को बोला तो रिया ने तो सीधा मना कर दिया ये बोल के कि नहीं नहीं सामान है ही नहीं, ये नहीं बोले। तो अंकल बहुत फोर्स करते हैं, बोले कि अरे लेके जाओ, फिर स्कूटी लेके जाओगे, वापस लेके आओगे, इधर सेम जगह पर आओ। तो क्या होगा, मैं लेके चला जाऊँगा, रिया ने बोला लेके चले जाएंगे। तो बोलते अरे किस लिए, लेके जाओ, इतना कौन ये करेगा। फिर बाद में लास्ट में अंकल ने बोला कि अरे पेट्रोल भी भराना है गाड़ी में। मैंने बोला हैं, ममान ने आज बचा लिया, वरना अंकल तो स्कीम बेच रहे थे हमको। ममान तुमको हमेशा बचाएगा, मामा को शब बचाए क्या। और शेट, भरोसा नहीं हो रहा था। मैं पूरा रास्ता सोच रहा था कि अंकल हाय हाय पेट्रोल बनाने का काम कैसे करवा दे मेरे साथ। मजा आया। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जिसको भी दिखता रहेगा सबके दिमाग में बैकग्राउंड में यही गाना बजता रहेगा, मायूम है मम्मा मासूम है। ये वाला खौटा मारूंगा, सुपारी मारूंगा वापस से। चुप चलो, ठंडा कुछ पिएगा, रेडी हो क्या? तो नहीं नहीं तुम पियो, मैं प्रोटीन पीऊंगा। मम्मा को बता रही थी पापा ने आज हमें क्या किया हम दोनों के साथ। कल पैसा इक्का डबल कर रहे थे हमारे साथ, चिपकाने 21 दिन में पैसा डबल करने वाले थे अंकल हमारा। गाइस अभी हम एसी देखने आए हैं तो देख के आते हैं। हे भगवान, कैमरा भी मांग लिया, पैसा भी मांगते हैं। तो ले लिया हाँ। बट कहाँ हमने डिस्काउंट नहीं, वैसे 29,500 का एसी था हमारा हिताची का, वो लिया हमने जस्ट बिकॉज उसमें हिताची है इसीलिए। जोकिंग गाइस, जस्ट जोकिंग। काफी अच्छा डील था उसमें इसके लिए, बहुत लाइट वाइट आने का सीन था, ऐसा ऐसा कुछ तो भी बोला उसने स्पेसिफिकेशन, और कूलिंग भी ज्यादा अच्छा है ऐसा वैसा। और हम लोग लिए, गंदा एक्सप्लेनेशन दिया क्यों लिया उसका,
हाँ मतलब अरे नहीं मतलब नहीं मतलब तुम जब ऐसा ज्यादा पैसा जाता है ना तो तुम्हारा मन नहीं करता ज्यादा एक्सप्लेन करने का, पैसा डाला अच्छा ही होगा इसीलिए। तो 29,000 का हमने लिया, हमको लगा काम खत्म, ये वो करके 36,000 हो गया। 36,500 गाइस, फैमिली स्टार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। तुम्हारे मॉम डैड को ना बहुत ज्यादा ऐसा मतलब दिल से रिस्पेक्ट दो। तुम अकेले रहोगे तब तुमको पता पड़ेगा कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये सब चीज ऐसा हैंडल करना। अकेले रहोगे स्पेशली जब तुम सब कुछ बिल्ड कर रहे हो। हाँ। अकेले रहोगे का भी सीन नहीं है, रहना बहुत इजी है किसी के भी घर में अकेले। मतलब अगर तुम लोग बैचलर हो और तुम लोग खुद के कमाई पे सब कुछ करते हो। हाँ। मम्मी डैडी से विदाउट पैसा लिए तो मतलब रिस्पेक्ट है। और प्लस तुम्हारे मॉम डैड को जो लोगों ने इतना सब कुछ हैंडल किया, मतलब उफ इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे को नहीं पता था गर्मी 36,000 का होता है। मैं सोच रहा था कि एसी में ऐसा होना चाहिए कि एसी लेते ही फर्स्ट एक साल एसी मुफ्त में हवा देगा, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेगा ना कुछ लेगा, बस हवा देगा, उसमें भर के देते होंगे हवा। और दो वॉलंटियर रहने चाहिए, ऑन करते ही ताली मारनी चाहिए। बंद करते ओ लाइट जाते ही फूक भी मार के हमें ठंडा करना चाहिए भाई। बहुत पैसा दिया हमने, गंदा फीलिंग है एकदम। मतलब मेरे को नहीं पता जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग इतना खुशी खुशी खर्च कैसे करते हैं। गाइस ये सब दिखावा होता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है जो लोग बताते हैं आज मैंने ये लिया वो लिया, अगर मुफ्त में नहीं लिया, मुफ्त में नहीं मिला है तो पक्का बहुत दिल जलता होगा, बट कैमरे पे बताता नहीं है। कैमरे में क्यों नहीं बताएंगे? देखो पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ भी बोलो तुम, जब अपना कमाया हुआ पैसा जब तुम किसी भी चीज में डालते हो तो तुमको दुखेगा ही दिल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि तुम खुशी खुशी कुछ खर्चा करोगे। अरे दिल दुख नहीं रहे रे। हाँ, ऐसा लग रहा है कंधे पे गोली पड़ी है। नहीं मतलब कोई यहाँ से यहाँ तक दुख रहा है। कोई मतलब दूर खड़े रह के ना जिसको भी देख रहा है वो ये देख रहा है मेरे को, पैसा डाला क्या जेब से, गया क्या पैसा। तो ऐसा मत सोचना कि हम जिनको देखते हैं वो लोग तो बड़े खुश दिखते हैं, अरे हम लोग देखो कितना स्ट्रगल कर करके हमें करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई स्ट्रगल करता है या फिर वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। बाकी नहीं, लकड़ी बोले है आपके पास? नहीं कुछ नहीं है भाई। तुम मानो या ना मानो मेरे डेडिकेशन को तुमको मानना पड़ेगा। पिंक कलर का मास्क पहन के हम इतने सैड है कि हम पिज्जा खाने आ गए। हाँ, मतलब वो होता है ना कि तुम एक्सट्रीम सैड होते तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम सब पैसा उड़ा दो और फिर दूसरे दिन और ट्रबल में चले जाओ। क्या जगह नहीं है क्या इसको जाने को? हाँ भाई लोग, आज दूसरा दिन है, कल हमने एसी ले लिया बट कल ही इंस्टॉल नहीं कर पाए क्योंकि काफी लेट गए थे हम लोग लेने के लिए। और अच्छा लग रहा है, ऐसा खुद का इन्वेस्टमेंट हो गया, खुद का एसी है अभी, है कि नहीं? अरे मतलब मेरे को तुम लोग के साथ एक चीज शेयर भी करने का था, वो ये है कि मैं अपने आप को मतलब हमेशा ऐसा मोटिवेटेड कैसे रखता हूँ, क्या चीज़ को क्या सोचता हूँ, मेरा माइंडसेट क्या रहता है पूरा टूवर्ड्स लाइफ के। मेरे हिसाब से ना दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले होते एक जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। मैं फर्स्ट वालों को बिलोंग नहीं करता तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। सेकेंड वाले ये रहते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग हमेशा आपको क्वेश्चन करते रहते हैं, ऐसा मतलब मैंने देखा हुआ, टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। या तो फिर ऐसा होता है कि हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं, बट मेरे हिसाब से सैक्रिफाइस करना शुड बी अ लार्ज लास्ट स्टेप। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ बट मैं हार्डवर्क बहुत कर सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से ऐसा फंक्शन करता हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बट मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ। हाँ, हार्डवर्क करके भी मैं फिर अफोर्ड नहीं कर सकता फिर मैं सैक्रिफाइस करूंगा वो चीज को, है ना। बट फिर मैं सैक्रिफाइस करके सैड नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, तो वो चीज को मैं प्राउडली लेके फिर सैक्रिफाइस करूंगा कि ठीक ये चीज मेरे लिए नहीं है। तो कभी भी ऐसा मेरे लाइफ में मतलब मैंने कभी भी सैक्रिफाइस किया तो मैंने ऐसे ही सैक्रिफाइस नहीं किया बोल के कि अरे मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता यार ये चीज वो चीज, नहीं, मैंने हमेशा अपने गोल्स की टुवर्ड बहुत हार्ड वर्क किया। तो मतलब ये एक स्मॉल ऐसा
एडवाइस था, अपने आप को कभी भी कम मत समझना, कभी भी मतलब अपने आप को ऐसा क्वेश्चन मत करना या सैड नहीं होना तुम किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते ये बोल के, सैक्रिफाइस नहीं करना तुरंत सोचते कि अरे मैं ये चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई चीज तुम तुरंत नहीं ले सकते तो टाइम दो, अगर वो चीज इतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो टाइम दो, हार्डवर्क करो और फिर लो, है ना। क्विकी वाला जो चीज होता है ना कि नहीं कोई भी चीज देखा और चाहिए, वो शायद से तुमको जेन्युइनली नहीं चाहिए होता है, ऐसा होता है। अगर तुमको कोई चीज जेन्युइनली चाहिए तो तुम उसके लिए रुकने के लिए भी रेडी होने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ना। तो ये सारा चीज अपने बारे में ऐसा सोचो, ऐसा फिगर आउट करो और फिर लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। बाकी मेरा तो पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम लोग को भी पता है तुम लोग को क्या करना है, तुम लोगों को मेरे को देने का पॉजिटिव वाइब्स, तुम लोगों को करने है मेरे लिए दुआ, मैं भी तुम लोग के लिए करूँगा बदले में। और तुम लोगों मेरे और तुम लोगों को करने है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ भी हो सकता है कि नहीं, मेरे ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करो अपना क्या अपना क्या जो भी, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता तुम लोग क्या करते हैं। I'll see you guys in the next vlog. All right, take it. Bye. Peace. Prrr. हम लोग कितने नाइस हैं, सब कुछ सच सच बता देते हैं। क्या रे? थोड़ा सा मौन व्रत रखा मैंने अपने लिए। वो तो अच्छा हुआ हम दोनों साथ में करते हैं, वरना क्या हो जाता? क्या हो जाता? मर जाते। कितना सिंपल आंसर दिया। सिंपल। सिंपल।